संबल से खबर है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान सामने आया है। हिजाब मामले पर बोले हैं कि बेपर्दा होकर घूमेंगी लड़कियां तो आवारगी बढ़ेगी। हिजाब पहनना मजहबी और इस्लामिक मामला है, इससे हालात बिगड़ेंगे, शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं। अपने बोलों के लिए जाने जाते रहे हैं। ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियाँ और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी नुकसान, न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। कह रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क कि न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को भी नुकसान होगा अगर इस पर रोक टोक की गई, हिजाब मामले को इस तरीके से देखा गया। तो और भी प्रतिक्रियाएं हमें मिली हैं, आपको दिखाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम सब स्वागत कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, जैसा ही निर्णय आएगा उस प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने को किसी को भी अनुमति नहीं है। हम ऐसे दंगाइयों बलवाइयों जो गैर कानूनी कृत्य में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। वेशभूषा पर कोई जबरदस्ती नहीं है, जो जैसी वेशभूषा धारण करना चाहता है उसको वैसी वेशभूषा धारण करने देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो समाज की मर्यादा को न लांघे। ड्रेस कोड होता है स्कूल का भी, तो स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो तो अनिवार्य है। ड्रेस कोड में बच्चियों को अपने सर को कवर करने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर बच्ची है कोई मॉडेस्टली ड्रेसअप हो करके स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या इतराज़ हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों को औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।